हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ इतने सारे प्रोडक्ट्स के बारे में, क्योंकि इन सारे प्रोडक्ट्स के एड्स लगातार चलते ही रहते हैं ऑन द इंटरनेट एंड दे आर वेरी मच ओवर हाइप। तो मैंने इन सारे प्रोडक्ट्स को यूज किया है, मेनली दे आर स्किन केयर एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स, एंड आई विल लेट यू नो कि वेदर यू शुड यूज दिस प्रोडक्ट्स और नॉट। अगर आपने अभी तक इन प्रोडक्ट्स को ट्राई नहीं किया है तो आपको ये ट्राई करना चाहिए या फिर नहीं, एंड डेफिनेटली ऑल्सो डिस्कस कि ये सारे प्रोडक्ट्स ओवर हाइप जो है, क्या ये सच में डिजर्व करते हैं इतनी पॉपुलरिटी। So let's see and let's dive into the video. But before that, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, ये आप पहली बार मुझे देख रहे हैं, then I make videos to solve your skin and hair care problems even much more. So subscribe to my channel and don't forget to press on the notification bell icon to stay updated. So let's see what's our first product. So मैं यहाँ हेयर केयर प्रोडक्ट्स के साथ शुरू करने वाली हूँ, बिकॉज जो हेयर प्रोडक्ट्स हैं दे आर वेरी मच इन द हाइप एंड मेनली आई सर्च फॉर गुड हेयर केयर प्रोडक्ट्स, बिकॉज स्किन में तो कुछ भी अप्लाई कर लो, एक्ने भी आती है, दो दिन बाद चली जाती है, लेकिन हेयर फॉल जो होती है ना एक बार, वो फिर से कब ग्रो करेगी और वापस से वो फॉलिकल भी ग्रोथ भी करेगी हेयर या नहीं, वो नहीं पता होता है। तो प्रॉपर एक सही हेयर केयर प्रोडक्ट यूज करना बहुत जरूरी है, वरना या तो आपके बाल बहुत ज़्यादा सुंदर बना देंगे या तो आपके बाल नष्ट कर देगी, यानी खत्म ही हो जाएगी। तो शुरू करते हेयर केयर प्रोडक्ट से। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको वाओ का बॉक्स दिखा होगा, and also I have wow shampoo. So this is their new launched rosemary hair oil and also their rosemary shampoo. तो मैंने इसको combo में purchase किया था and I have only used it just once. So मुझे नहीं लगता कि इस video में properly इसको review कर पाऊंगी, but yes I am letting you know कि मैं इसे use कर रही हूँ अभी, and अगर आपको in detail review चाहिए then please do comment below, ताकि मैं इनको प्रॉपरली यूज़ करके ओवरऑल एनालिसिस करके आपको एक प्रॉपरली डेडिकेटेड वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ, जहाँ पर मैं इनके बारे में बात करूँगी एंड विल लेट यू नो कि ये आपके बालों के लिए सूटेबल है कि नहीं, बिकॉज दे आर अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव। लाइक दिस ऑयल कम्स इन द प्राइस ऑफ 550 एंड आई हैव सर्च ऑल ओवर द इंटरनेट, कहीं पर भी कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा था, ना अमेजोन ना फ्लिपकार्ट पे एंड वाओ के वेबसाइट पे भी ना ही डिस्काउंट था। Just because if you are a first user on their website, then you can use a coupon to get 20% discount. तो मैंने कहीं से एक नया नंबर जुगाड़ करके नया अकाउंट खोला, देन परचेस किया, तब जाके मुझे 20% डिस्काउंट मिला। बाकी द डिस्काउंट कोड विल बी मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाय द वे ये डिस्काउंट कूपन कोड जो है ना वो मेरा नहीं है, मैंने पुराने वीडियोज वगैरह से ढूंढ के निकाला था कि जब मैंने पहले एक बार वाओ के साथ कोलैबोरेशन किया था तो उन्होंने कोड प्रोवाइड किया था, तो मैंने वो कोड ट्राई करके देखा तो बोला था कि न्यू यूजर को ही इसको इस्तेमाल करने को मिलेगा, तो इफ यू आर न्यू यूजर तो ही आप इस कोड को यूज कर पाओगे। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वीडियो सॉरी नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट इज द मोस्ट हाइप। आपको हर जगह इसकी ऐड दिखी होगी एंड मैं इसके ऊपर दो वीडियो बना भी चुकी हूँ, दैट इज दिस पिलग्रिम्स सीक्रेट्स ऑफ जेजू आइलैंड हेयर ग्रोथ सीरम। दिस सीरम कम्स इन अ ग्लास बॉटल विथ अ ड्रॉपर। तो मैं इसकी पैकेजिंग को दिखा देती हूँ, दिस इज द प्रोडक्ट, इट्स अ 50 ml प्रोडक्ट एंड इसकी MRP है 895, बट इफ यू आर परचेजिंग ऑनलाइन तो आपको डिस्काउंट वगैरह मिल जाती है, तो 700 के अराउंड मिल जाती है, तो अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव राइट। तो मैंने भी सोचा कि इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं, बिकॉज इसकी भर भर के ऐड चल रही थी कि स्पेशली आपकी जो हेयर लाइन रिसीड हो रही है, यहाँ से गंजापन आपको लग रहा है, वहाँ पर अगर आप ये सीरम यूज करते हो देन डेफिनेटली विल यू सी हेयर ग्रोथ विद इन 2 to 3 months। सो आई थॉट कि चलो इसको रेगुलर यूज करते हैं एंड लेट्स सी हाउ मच रिजल्ट आई कैन गेट, बिकॉज प्रोडक्ट्स जो होती है ना वो सबके ऊपर सूट नहीं करती। तो मुझे डाउट था कि ये मेरे ऊपर काम करेगा कि नहीं करेगा। बाय द वे इट्स लाइक अ सीरम बट इट्स वाटर बेस्ड, तो जब भी आप इसको स्कैल्प में लगाते हो तो बिल्कुल भी ऑयली नहीं होगा, बट अगर आप इसको गलत तरीके से लगाते हो तो आपकी स्कैल्प तो ऑयली होगी, साथ ही साथ ये काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले मैं इसका रिव्यू बताती हूँ, उसके बाद कैसे मैं अप्लाई करती हूँ वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। सबसे पहले तो रिव्यू, ओके। सो द रिव्यू ऑफ इट की इसकी जो टेक्सचर क्वालिटी की वजह से ना मुझे ये अप्लाई करना बहुत अच्छा लगता है। बाय द वे इट इज मेंशन कि आप इसे डेली रात को सोने से पहले अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज इट इज अ वाटर बेस्ड, ये आपके स्कैल्प को ऑयली नहीं बनाएगा। बट अ पर्सन लाइक मी हु हैज मतलब ऑयली टू ऑयली स्कैल्प, लाइक आज मैं शैम्पू करूंगी कल तक वो ऑयली हो ही जाएगा, तो कोई भी वाटर बेस्ड प्रोडक्ट भी मैं लगाऊँ तो डेफिनेटली इट गोना रिएक्ट विथ माई नेचुरल सीरम ऑन माई स्कैल्प एंड गेट्स ऑयली। तो मुझे डर लग रहा था कि ये यूज करके मैं अगले दिन बाहर निकल पाऊंगी का नहीं, बट जब मैंने इसको सही तरीके से लगाया तब मुझे फील हुआ कि यस इट्स रियली ड्राइंग आउट और मुझे बाल में
और मुझे इतनी ऑयलीनेस फील हो रही है, बिल्कुल नेचुरल सी हेयर फील हो रही है, ड्राई एकदम नॉर्मल सी बाल जैसे शैम्पू करने के बाद फील होती है। स्पेशली मैं इसे शैम्पू करने के बाद जब मेरे बाल एकदम से ड्राई होते थे तभी मैं स्कैल्प पे लगाती थी, बिकॉज इट इज मेंशन कि आप इसे ड्राई स्कैल्प में ही लगाओ, ना ही ऑयली स्कैल्प में, ना ही गंदे स्कैल्प में, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क और मेक योर स्कैल्प ऑयली। तो इसको मैं लगाती थी हफ्ते में 2 से 3 बार, बिकॉज डेली में लगा नहीं पाती थी। एज यू नो कि माई स्कैल्प इज ऑयली, वाटर बेस्ड कुछ भी लगाओ तो भी ये ऑयली कर ही देगा। एंड मेनी पीपल आर अप्लाइंग इट अ रॉन्ग वे, दैट्स व्हाई देयर स्कैल्प इज गेटिंग ऑयली एंड नॉट गेटिंग द गुड रिजल्ट। तो आपको क्या करना है ना, एकदम स्कैल्प में लगा के मसाज कर देनी है एंड ओनली यूज इट ऑन योर अफेक्टेड एरिया। लोग भर भर के अपने पूरे स्कैल्प में लगा देते हैं, आपको इसे ऑयल की तरह बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, जस्ट लाइक अ सोल्यूशन। आपको क्या करना है, जहां जहां भी आपको बॉलनेस दिख रही है, प्रॉब्लम दिख रही है, वहां जस्ट एक ड्रॉप छू के लगा दो, फील होना चाहिए कि हाँ एक ड्रॉप लगा है, फिर हल्के हाथों से मसाज करो एंड देन लीव इट। एंड डोंट ट्राई टू कॉम्ब योर हेयर इमीडिएटली, बिकॉज अगर आप तुरंत की तुरंत आपके बालों को कंघी करोगे द सीरम विल स्प्रेड ऑल ओवर टू योर हेयर नॉट ऑन द स्कैल्प, तो स्कैल्प से हटके ये पूरा हेयर में लग जाएगा, फिर आपको दिक्कत आएगी, बाल ऑयली हो जाएंगे और काम नहीं करेगा, बिकॉज दिस सीरम इज मेंट टू बी अप्लाइड ओनली ऑन योर स्कैल्प नॉट ऑन योर हेयर। हेयर ग्रोथ हमारे स्कैल्प से होती है, तो डेफिनेटली यू शुड अप्लाई दिस ऑन योर स्कैल्प ओनली। और आप कंघी अगर करना भी चाहते हो तो 2 से 3 घंटे बाद करो, या लगा के फैन के नीचे बैठ जाओ, हवा के नीचे बैठ जाओ, ताकि ये सूख जाए कम्प्लीटली, देन ओनली यू नीड टू कॉम्ब योर हेयर। ओके, देन फिर सो जाना एंड फिर अगले दिन या देखना, ये तुरंत 1-2 घंटे बाद देखना कि बाल एकदम नेचुरल हो गए हैं, एकदम बिना ऑयली लग ही नहीं रहा है एंड एकदम ड्राई ड्राई है। दिस इज द परफेक्ट वे टू अप्लाई एंड इवन इट इज मेंशन इन द इंस्ट्रक्शन बॉक्स ऑल्सो। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी 2 बड़े वीडियोज बना के रखे हैं, आप जाके जरूर चेकआउट कर लेना अभी अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो। बाय द वे विल लिंक डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट यू कैन चेक इट आउट। इसको अगर आप रेगुलरली यूज करते हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा विद इन 3-4 यूजेस। साथ ही साथ अगर आप 3 से 4 बार इसको यूज कर लेते हो तो डेफिनेटली यू विल नोटिस हेयर फॉल में चेंजेस। तो मैंने क्या किया ना, मेरे को इतने हेयर फॉल नहीं होती थी बट मेरी हेयर बहुत ज़्यादा वीक फील होती थी। इसको 4-5 बार यूज करने के बाद मेरा हेयर थोड़ा वीक कम फील हुआ, नॉट लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग की हेयर फॉल हुई ना, एकदम हेयर फॉल तो नॉर्मल हो ही रही थी, 3-4 बार में क्या ही रिजल्ट देगा, बट आई वॉज फीलिंग कि हाँ मेरी जो हेयर की वीकनेस है वो थोड़ी कम हो रही है। एंड डेफिनेटली आई एम यूजिंग इट फॉर मोर देन 3 मंथ्स, तो मुझे बहुत अच्छा खासा रिजल्ट दिखा, स्पेशली हेयर ग्रोथ में काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखा। सो द फर्स्ट साइन इट विल गिव टू योर हेयर, जैसे इसके आपके बाल थोड़ा स्ट्रॉन्गर आपको लगेगा, साथ ही साथ हेयर ग्रोथ में आपको दिखेगी, हेयर ग्रोथ इन द सेंस सिर्फ लेंथ में नहीं, आपको न्यू हेयर ग्रोथ दिखेगी। जो बेबी हेयर्स है वो बहुत स्पीड में ग्रो करेंगे क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अच्छा नरिशमेंट मिल रहा है। तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस वंस। Related to this product, a similar product I have, that is this most hyped Wish Care Hair Growth Serum. This is actually Hair Growth Serum Concentrate. तो आपने इसके बारे में तो सुना ही होगा इसके बाद। This is a serum which comes in a dropper, तो बहुत easily application हो जाता है and this comes in a spray form. तो चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। By the way, अगर आपको इसके related कोई भी doubt है ना तो वो वाली वीडियो देख लेना जो मैंने लिंक कर दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो लेट्स अनबॉक्स दिस पैकेज। तो मैंने इसको यूज करती हूँ आपको दिखाने के लिए, बस डायरेक्टली पैकेट में रख दिया ताकि आपके सामने अनबॉक्स कर सकूँ। इट कम्स इन अ स्टॉपर लाइक दिस, यू नीड टेक इट आउट एंड इट इज द पैकेजिंग। इट्स पैकेजिंग इज रियली क्लासी एंड बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसकी MRP एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसके MRP है 999, विच इज मोर देन द हेयर ग्रोथ सीरम फ्रॉम पिलग्रिम एंड इट हैज लाइक 50 ml कॉन्सेंट्रेट and you get only 30 ml of product, like it's very expensive I guess, because ये वाली जो product है ना hair serum from the Pilgrim, it gives you 50 ml of product and charges only 895 rupees according to MRP. By the way, आप website वगैरह से खरीदोगे तो discount मिल जाएगा, but this product is 30 ml and it is charging 999. So discount मिला के भी ये 700-800 का होगा, but almost the same price, but you are getting the lesser quantity, 30 ml only. सो मे बी इट विल वर्क बेटर यू आर थिंकिंग राइट, बट चलो इसके बारे में बात कर लेते कि इसको भी मैंने यूज़ किया है एंड इसका रिजल्ट कैसा है। रिजल्ट ऐसा है ना, सबसे पहले तो पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है एंड इसकी स्प्रे वाली नॉजल आती है, देख सकते हैं, मतलब आप स्प्रे ऐसे कर सकते हैं एंड स्प्रे करने से क्या होता है ना, पूरा इवनली स्प्रे हो जाता है इन अ लार्जर एरिया। एंड ऑल्सो टू कंपेयर इट्स पैकेजिंग विद द पिलग्रिम्स वन, पिलग्रिम में ड्रॉपर आता है तो आप सिर्फ एफेक्टेड एरिया में जाके लगाते हो ना,
तो उतना उतना लगता है एंड ज्यादा प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होता। कभी कभी आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी लगा देते हो, उतना जरूरत ही नहीं पड़ता, उसमें आपका प्रोडक्ट भी वेस्ट होता है, आपके बाल भी ऑयली हो जाते, प्लस जितना जरूरत है उतना ही लगाना चाहिए। लेकिन इसमें एक स्प्रे नोजल दिया गया है, अगर आप स्प्रे करते हो ये बहुत ज्यादा एरिया कवर करता है, सो डेफिनेटली व्हेनेवर यू आर गोइंग टू अप्लाई ऑन योर स्कैल्प और अफेक्टेड एरिया, तो ये बहुत ज्यादा एरिया कवर करेगा जितना जरूरत ही नहीं है। प्लस अगर आप ऊपर से अप्लाई कर रहे हो तो आपके बालों में बहुत ज्यादा चला जाएगा, तो वहां पर मुझे थोड़ा सा इशू लगता है, क्योंकि आप जब स्प्रे करते हो तो एक साथ बहुत ज्यादा क्वांटिटी निकलती है, तो बालों में लगने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो दैट इज अ वेस्ट, बिकॉज बालों में लगने से क्या होगा, इट इज अ स्कैल्प सीरम राइट, तो बालों के लिए तो अलग से सीरम आया जाता है, वो यूज कर लेना। ये मत सोचना कि ये क्या बालों में लगने से बाल खराब हो जाएंगे, डेफिनेटली नॉट, बट इट्स वेस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि ये इतना सा क्वांटिटी आता है 30 ml, यू हैव टू यूज इट प्रॉपरली, एंड ये सिर्फ स्कैल्प के लिए बना हुआ है, तो ऐसा स्प्रे नोजल जो बहुत ज्यादा एरिया कवर करता है चाहिए ही नहीं आपको। यहाँ से थोड़ा सा भी अप्लाई करेंगे तो फिर भी आपका बालों में बहुत ज्यादा लग जाएगा, एंड आपके स्कैल्प के लिए तो कवर होगा ही, लेकिन एक साथ बहुत ज्यादा लग जाएगा। अदर देन दैट, अगर इसकी पैकेजिंग की बात करें, इसमें तो ड्रॉपर आती है, तो आप पर्टिकुलर इस एरिया पे इस एरिए डॉट डॉट करके लगा लो, बहुत ही ईजिली लग जाएगा, प्लस बालों में नहीं लगेगा, प्रोडक्ट का वेस्टेज बहुत ज्यादा नहीं होगा, बट दिस पैकेजिंग विल लेट द प्रोडक्ट वेस्टेज मोर। सो बात कर लेते हैं रिजल्ट की, तो सबसे पहला साइन जो मैंने देखा कि इसको अप्लाई करने के बाद सबसे पहला साइन मुझे ये दिखा कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा थिक फील हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब कि इसको 3-4 बार यूज़ करने के बाद आपको फर्स्ट टाइम यही फील होगा कि आपके बाल थोड़े थोड़े थिक हो रहे हैं, एंड नॉट इन द हेयर ग्रोथ आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, यहाँ स्पेशली जहाँ पर आपके बाल रिसीड कर रहे हैं स्पेशली वहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। एंड इसको भी अप्लाई करने के बाद ना बिल्कुल भी ऑयली फील नहीं होता, इवनली स्प्रे हो जाता है, ये बालों में तो लग जाता है क्योंकि इसका स्प्रे नोजल है इसलिए। तो मैं इसको अप्लाई करके थोड़ी देर बाद कॉम करती हूँ एंड मेरे बाल बिल्कुल ड्राई फील होते हैं। तो इसका जो स्प्रे नोजल है डायरेक्टली मैं इफेक्टिव एरिया पे अप्लाई करती हूँ और बहुत ज़्यादा लग जाता है बिकॉज ऑफ द स्प्रे नोजल, और मुझे थोड़ी देर बाद ही बहुत ज़्यादा ऑयली फील होने लगता है, मतलब ऐसा लगता है ना मेरे बाल ऐसे जुड़े जुड़े हैं, जैसे ऑयलिंग करने के बाद जैसे आपके बाल ऐसे जुड़े जुड़े से लगते हैं ना, वैसा थोड़ा थोड़ा फील होता है, तो मुझे लगता है कि दैट्स एन इशू विद द प्रोडक्ट। इसको लगाओ डायरेक्टली ऑन टू योर स्कैल्प तो बिल्कुल सूखने के बाद आपके बाल बिल्कुल भी ऑयली नहीं फील होगा, बट वंस ये आपके बालों में लग जाता है तो ऑयली फील हो सकता है, ऐसे जुड़ा जुड़ा होके फील हो सकता है, राइट। इट इज मेंशन कि आपको 3 months तो लगातार यूज करना ही पड़ेगा टू सी अ विजिबल रिजल्ट, तो इस कॉन्सेंट्रेट में मेनली है 3% रिडेंसिल, 4% डनागन, 2% बाइकैपिल, कैफीन, बायोटिन, प्लांट कैरेटिन एंड राइस वाटर, ऑल द नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, रिडेंसिल एंड डनागन इज कॉमन प्रोडक्ट, दैट पिलग्रिम, सीक्रेट ऑफ जेजू आईलैंड, रिडेंसिल एंड डनागन एडवांस्ड हेयर ग्रोथ सीरम हैज, तो इसमें भी रिडेंसिल एंड डनागन है, कितना परसेंटेज है दैट आई डोंट नो, आप इन्ग्रीडियंट लिस्ट में भी इतना अच्छे से मैंशन तो नहीं है, बट ओके इसमें जिंक भी है, सो इसमें ना रिडेंसिल एंड डनागन, तो इसमें ना रिडेंसिल एंड डनागन है और इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, राइस वाटर भी है एंड कैफीन भी है जो हमारे वालों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इट हैज नेचुरल इंग्रेडिएंट्स टू एंड ऑल्सो रिडेंसिल एंड डनागन, इट हैज ओनली रिडेंसिल डनागन जिंक एंड मोर देन दैट दे हैव नॉट मेंशनड एनी अदर इंग्रेडिएंट्स, यस दे हैव मेंशनड ग्रीन टी ऑल्सो, तो ग्रीन टी है इसमें जो इसमें नहीं है, एंड इट इज सुटेबल फॉर ऑल हेयर टाइप, यस बोथ आर सुटेबल फॉर ऑल हेयर टाइप, अगर कंपेयर करूँ साइड बाई साइड, पैकेजिंग में थोड़ी डिफरेंस है, जहाँ पर एप्लीकेशन में डिफरेंस आ जाती है, लुक एंड फील में डिफरेंस आ जाती है, बाकी अगर रिजल्ट की बात करें दोनों को यूज करने के बाद आपको साइंस तो जरूर दिखेगी, मतलब साइंस इन द सेंस कि ये आपके बालों में सूट कर रहा है, आपके स्कैल्प में सूट कर रहा है, तो सूट होने के बाद क्या होता है, थोड़ा थोड़ा आपको साइन दिखता है, क्या साइन कि बाल झड़ने कम हो गए या बाल थोड़े स्ट्रांग लग रहे हैं, हेयर ग्रोथ हो रहा है, तो वो वाला साइन सबसे पहला साइन दिखेगा कि थिकनेस में, सबसे पहला साइन दिखेगा ये थोड़ा हेयर फॉल में, ठीक है। तो मुझे ये दोनों प्रोडक्ट अच्छे लगे, इंडिविजुअली दोनों प्रोडक्ट अच्छे लगे, कंपेयर करूँ तो मुझे लगता है पैकेजिंग के हिसाब से मैं इसको चूज करूंगी, एप्लीकेशन बहुत सही है, प्रोडक्ट वेस्टेज कम होता है, मोस्टली आई एम वेरी मच कंफ्यूज विद इन दिस टू प्रोडक्ट कि कौन सा ज़्यादा कंटिन्यू करो कौन सा नहीं कंटिन्यू करो, बट आपको मुझे अपना एक्सपीरियंस एंड रिव्यू बताना था, तो वो मैंने आधा यूज़ किया और दूसरा वाला मैंने आधा यूज़ किया उसके बाद, ताकि इसके बाद देखेंगे कौन सा कंटिन्यू करना है मुझे, बिकॉज हेयर ग्रोथ किसको नहीं चाहिए, कौन सा मेरे बाल इतने सही हो गए, मुझे भी तो कुछ ना कुछ यूज करना ही पड़ेगा, आई विल अपडेट यू। अच्छा भाई साहब, हेयर केयर में और भी बड़ी एक चीज है जो रिसेंटली पिलग्रिम ने लॉन्च किया, दैट इज देयर रोज मेरी शैम्पू कंडीशनर एंड हेयर ऑयल, दैट इज दिस प्रोडक्ट, इसको आपने शॉर्ट भी देखा होगा मेरे चैनल पे। सो आई हैव देयर 3 प्रोडक्ट्स, तो उन्होंने ही भेजा था मुझे
अपने तीन प्रोडक्ट्स। यस बट इट इज कम्प्लीटली अ नॉन स्पॉन्सर्ड रिव्यू, जितने भी प्रोडक्ट्स आज मैं शो कर रही हूँ ऑल अ नॉन स्पॉन्सर्ड। सो दिस इज द रेंज ऑफ रोजमेरी, स्पैनिश रोजमेरी विथ बायोटिन एंटी हेयरफॉल शैम्पू, हेयर ग्रोथ ऑयल एंड एंटी हेयरफॉल कंडीशनर। तो इसको मैंने यूज़ किया, सबसे पहले मैं ऑयल की बात करूँ, ऑयल इज वेरी मच लाइट वेट एंड यूज करने के बाद मुझे थोड़ा बहुत हेयरफॉल हुआ, बिकॉज वेन एवर यू इज नोटिस कोई भी हेयर ऑयल आपको सूट करता है ना तो आपको हेयरफॉल नहीं होता ऑयलिंग करने के बाद। बट कुछ भी प्रोडक्ट लाइक हेयर ऑयल अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो हो सकता है हेयरफॉल हो, बिकॉज दैट इज अ वेरी न्यू थिंग फॉर योर हेयर, तो थोड़ा सा झटका लगता है उसको। सो कभी कभी मैं क्या करती हूँ, इसलिए ना कोई भी नया चीज अप्लाई करने वाली होती हूँ, नया ऑयल अप्लाई करने वाली हूँ, मैं पुराने ऑयल से थोड़ा सा मिक्स करके लगाती हूँ, तो थोड़ा सा इसको जेन्युइन लगे मेरे वालों को कि हाँ मैं तो सही चीज लगा रही है। तो ये है वो प्रोडक्ट, ऑयलिंग मेरे को ओके ओके लगी, बट शैम्पू कंडीशनर यूज करने के बाद ना बाल इतने स्मूथ नहीं लगे, इतने अच्छा इतना अच्छा फीलिंग नहीं आया यूज करने के बाद। सो द ऑयल इज गुड बट शैम्पू के लिए मैं कहूँगी इतना ज्यादा हेयर फॉल में वर्क नहीं करता, इवन द कंडीशनर डजंट स्मूथन माय हेयर। पता नहीं मेरे वालों का क्या ही हाल है, ऊपर ऑयली नीचे ड्राई, क्या ही उसको चाहिए भगवान जाने। जो भी है द ऑयल इज गुड, द शैम्पू एंड कंडीशनर आई विल नॉट सजेस्ट बट यू कैन गो फॉर द ऑयल। तो इसकी प्राइसिंग में बात कर लेते हैं कि प्राइसिंग है इसकी 395 rupees फॉर द क्वान्टिटी ऑफ, यस यू गेट 100 ml ऑफ द प्रोडक्ट फॉर ₹395। ऑब्वियसली यू विल गेट डिस्काउंट्स ऑन वेबसाइट। ये है शैम्पू एंड कंडीशनर जो क्लेम करता है अपना 95% स्ट्रॉन्गर हेयर, यानी कि आपके बाल जड़ों से स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इवन रोजमेरी इज वन इन्ग्रीडियंट दैट विल हेल्प योर हेयर ग्रोथ फास्टर। मेरे चैनल पर बहुत सारे रोजमेरी के वीडियोस बने हुए हैं एंड योर क्वेरीज खत्म ही नहीं होते, आपको रोजमेरी के ऊपर और वीडियो चाहिए और क्वेश्चन आते रहते हैं आपका। तो आपको मैं बोलूँगी कि आप ऑयल यूज़ कर सकते हो, बट शैम्पू अगर आप यूज़ करो कि प्रॉपरली क्लींस कर दे, डैंड्रफ को हटा दे, हेयर फॉल को रोक दे, नो नॉट फॉर दैट, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर दैट। कुछ हद तक काम करता है लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आप यूज़ करते हो तो आपको वो डिफरेंस फील होगी कि इतना बढ़िया नहीं है। इससे तो बेटर जो वाटिका का सेवन वाला आता है ना प्रॉब्लम फ्री शैम्पू ग्रीन बॉटल वाला, वो तो ज्यादा बेटर है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा देता है। तो व्हाट आई हैव राइट, यस इसकी प्राइसिंग बताने वाली थी ना, ये है 200 ml का प्रोडक्ट, 345 दिस इज अ शैम्पू एंड दिस इज अ कंडीशनर फॉर 200 ml 345। तो यस तीनों का जो प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम है, बस यही 100 ml का प्रोडक्ट है। सो डेफिनेटली इफ यू वॉन्ट टू ट्राई अ गुड प्रोडक्ट फ्रॉम पिलग्रिम, ये रोज मेरे को ऑयल यूज कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो वाओ का जो रोजमेरी का ऑयल है ना वो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था और मुझे बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं हुआ, तो मुझे वो काफ़ी पसंद आ रहा है। जस्ट मैंने एक बार यूज़ किया इसलिए प्रॉपरली रिव्यू नहीं कर पा रही हूँ, वंस आई यूज इट फॉर 1 or 2 months देन आई विल डेफिनेटली रिव्यू इट फॉर यू। नेक्स्ट प्रोडक्ट भाई साहब, स्किन केयर के बारे में बात कर लेते थोड़ा बहुत। ओके ओके ओके, स्किन केयर में याद है मेरे पास तो विश केयर का इनविजिबल जेल सनस्क्रीन है। तो दिस प्रोडक्ट इज वेरी मच गुड फॉर ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन, इट हैज SPF PA++++, इट हैज SPF 50+ एक्चुअली। सो इट गिव्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीऑक्सीडेंट रिच ब्लू लाइट प्रोटेक्शन, 1% हाइलुरोनिक एसिड, नायसिनामाइड सेरामाइड। आजकल कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट उठा लो उसमें नायसिनामाइड हाइलुरोनिक एसिड भर भर के लिखा ही होगा, पता नहीं कौन सा ट्रेंड एंड हाइप चल रहा है सेरामाइड्स वगैरह यूज करने का। तो दिस इज द प्रोडक्ट, MRP है इसकी ₹499, 500 rupees में आपको मिल रहा है 50 ग्राम का सनस्क्रीन, सन प्रोटेक्शन विद नो व्हाइट कास्ट। एक्चुअली इसको मैंने रेगुलरली यूज किया है, एक तो व्हाइट कास्ट बिल्कुल भी नहीं आती और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा सा क्रीम लाइक है, दे आर टेलिंग कि जेल बेस्ड है बट मुझे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक लगी, थोड़ी सी हल्की सी थिक लगी, ज़्यादा थिक नहीं है, जेल बेस्ड फिर भी बोल सकते हैं। इसको अप्लाई करने के बाद स्किन में बिल्कुल भी हैवी नहीं फील होता, एकदम से लाइट वेट होता है और स्किन में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब भी हो जाता है। एंड येस योर स्किन रियली फील्स कि हाँ कुछ लगाया है, सनस्क्रीन लगाया है, दैट यू आर फील्स, और ये प्रोटेक्शन भी बहुत अच्छा खासा देता है एंड ऑयली टू कम्बिनेशन स्किन के लिए अच्छा है, यूज कर सकते हैं। बट ऑन माई स्किन इज रियली एक्ने प्रोन स्किन एंड ऑयली स्किन, तो मुझे यूज करने के बाद थोड़ा सा हल्का सा हैवी फील हुआ। बाकी ड्राई स्किन वाले लोग भी इसे यूज कर सकते हैं एंड 500 rupees दे के मैं इसे 50 ग्राम में खरीदना चाहूंगी कि नहीं, इट विल बी माई सेकेंड थर्ड वीक, मुझे सोचना पड़ेगा बिकॉज आई एम ऑलरेडी यूजिंग अ डॉटियन की सनस्क्रीन एंड दैट इज वर्किंग रियली वेल ऑन माई स्किन बिकॉज वेरी वाटर बेस्ड सनस्क्रीन है, बहुत ही बढ़िया काम करता है। आई विल रादर इन्वेस्ट ऑन दैट प्रोडक्ट रादर देन बेस बिकॉज ये थोड़ा सा मेरे को हैवी लगता है ऑन माई स्किन, ये बहुत अच्छा काम करता है डॉटियन की, इससे भी बहुत अच्छा प्रोटेक्शन आपको देगा। एंड द हाइप
यस इट डिजर्व्स द हाइप. नेक्स्ट बात कर लेते हैं ओवरली हाइपर के बारे में, दैट इज ऑर्डिनरी ग्लाइकोलिक एसिड फेस टोनर. तो ये टोनर तब तक देखा होगा आपको गर्दन में, एल्बो में, निकल्स में, जहाँ पर भी डार्कनेस है, ये हटा देगा, ऐसा लोग क्लेम करते हैं. ऐसे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, तो मैंने भी सोचा कि 1200 रुपये दे ही देते इसको यार. एक तो इसकी ये ड्रॉबैक है कि ये थोड़ा सा छुटकी बॉटल में भी तो आ सकता था ना, कि जो लोगों को टेस्ट करने उनके ऊपर सूट करे कि नहीं, वर्क करे कि नहीं, बिकॉज दिस ऑल आर एसिड बेस्ड प्रोडक्ट और ये आपके स्किन में रिएक्ट भी कर सकते हैं अगर सूट नहीं करे तो. तो खामा खा कोई 1200 रुपये दे के इतना बड़ा बॉटल क्यों खरीदेगा अगर कोई काम ही नहीं किया तो. व्हाट्स द पॉइंट आई डोंट नो गेटिंग ऑल दिस बिगर प्रोडक्ट्स. हम लोग इसे खरीद भी लेते, मैंने भी खरीद लिया क्योंकि मुझे भी देखने लगा कितना ज़्यादा डार्कनेस कम होता है, रिड्यूस होता है. एक चीज़ बहुत बढ़िया लगी, अगर मैं रिव्यू की बात करूँ या मेरी रिजल्ट की बात करूँ, ये मेरे नेक में ना थोड़ा सा डार्कनेस है, तो जब भी मैं कॉटन पैड से मैं कितना भी फेस वॉश कर लूँ, स्क्रब कर लूँ उस एरिया में, मैं कॉटन पैड लेके इसको मैं थोड़ा सा टोनर लेके इसमें थोड़ा सा घिसती हूँ ना, तुरंत देख पूरा डार्कनेस निकल के आता है, थोड़ा सा मैल निकल के आता है. पता नहीं कैसे इतना स्क्रबिंग करने के बाद भी कैसे मैल रह जाता है. एंड व्हेनेवर आई यूज दिस प्रोडक्ट कुछ ना कुछ मैल तो निकलता ही है मेरे नेक के एरिया से. हाउ इट्स पॉसिबल आई डोंट नो, मे बी इट्स वर्किंग वेल बट ओके है. थोड़ा सा टिंगलिंग टेंशन मेरे को फील होती है. अगर मैं इसको फेस में अप्लाई करती हूँ ना, मेरी फेस एकदम कैसे भारी सी फील होती है, बहुत ज़्यादा जलन सी फील होती है, बिकॉज माई स्किन इज लिटिल बिट सेंसिटिव एंड इसमें 7% टोनिंग सोल्यूशन, थोड़ा सा एसिड बेस्ड चीज़ है ना, तो मेरी स्किन भी इतनी अच्छे से सूट नहीं करती. अगर आपको इसे फेस में लगानी है तो हफ्ते में एक ही बार लगाना. इवन इफ यू आर यूजिंग ऑन योर नेक एरिया एंड अदर बॉडी पार्ट्स, तो वो या दो चार दिन में एक ही बार लगाना, बिकॉज इट इज नॉट मैंशन कि आप इसे डेली लगाओ. तो डेफिनेटली 1200 का प्रोडक्ट आपको 6 महीने 1 साल चल जाएगा, मुझे फील होता है. मैं इसको अभी यूज नहीं कर रही हूँ बिकॉज मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है. इस बड़े बॉटल को निकालो, फिर कॉटन पैड डालो, इससे बढ़िया जो मॉइस्चराइजर मैं अप्लाई करती हूँ फेस में वही नेक में अप्लाई कर लेती हूँ, तो मैं इसे बार बार भूल जाती हूँ यार. ये थोड़ा सा ना कंटेनर में निकाल के सामने रखनी पड़ेगी. बाय द वे ये डिजर्व करते कि नहीं, देखो लोग जैसे हाई थे ना कि यार ये तो पूरा आपका काला ये देखो एकदम सफेद वाइट कर देगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा. क्लीनिंग जरूर कर सकता है अगर वो एरिया डार्क है, पिगमेंटेड है आपकी कोई भी स्किन की पार्ट, तो डेफिनेटली इट्स नॉट क्लेम्ड कि ये एकदम 100% वर्क करेगा. थोड़ा सा मैल हटा सकता है, थोड़ा सा लाइटनिंग कर सकता है, बट डेफिनेटली एकदम काला को सफ़ेद नहीं कर सकता. ओके तो फिर तो ये जो लोग स्किन उनकी जो काली पड़ गई है, जो टैन स्किन है, वो तो फिर इसको लेके ही नहा लेते ना, है ना, तो उनको तो सफ़ेद ही मिल जाती है अपनी स्किन में. ऐसी बात है नहीं दोस्तों, बिल्कुल नया प्रोडक्ट है. बट द ड्रॉबैक इज दे प्रॉब्लम इज दे हैव ओनली दिस बिगर साइज प्रोडक्ट. इस टोनर का कोई छोटू सा पैकेट हो तो मुझे कमेंट करके बताना. आई डोंट नो बिकॉज नायका पर्पल में मैंने बहुत ढूंढा, ये बस बड़े बॉटल में ही दिखा. एंड इवन दिस प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट में मेरे को 400 रुपये का दिख रहा था. मैंने तो फर्स्ट सोच ही लेते कि 400 रुपये इतना डिस्काउंट मिल रहा था ले ही लेते, बट यार फेक प्रोडक्ट्स बहुत निकलने लगे हैं, तो बी अवेयर ऑफ दैट. जो भी मार्केट में बड़े बड़े हाई एंड ब्रांड्स है ना, बहुत पॉपुलर ब्रांड्स है ना, उनके ईजिली क्या बोलूँ फेक ब्रांड्स निकल जाते हैं, फेक प्रोडक्ट्स निकल जाते हैं. तो प्लीज़ मीशो वगैरह फ्लिपकार्ट में अगर आपको ये दिखे तो मत बाय करना, ऑथराइज जगह से ही बाय करना, लाइक नायका पर्पल जहाँ पर प्रॉपरली स्किन केयर एंड मेकअप ही मिलता है वहाँ से परचेज करना. नेक्स्ट आई हैव द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज दिस बोरो प्लस एलोवेरा जेल. तो ये जो एलोवेरा जेल है ना, एक ही बात बोलना चाहूंगी, इससे बढ़िया पतंजलि का एलोवेरा जेल है. फर्स्टली अगर आप इसके इन्ग्रीडियंट देखोगे तो इसमें पता नहीं क्या सब डाल के रखा है. एक तो इन्ग्रीडियंट में इतना भर भर के इंग्रेडिएंट लिस्ट है, मतलब क्या जो इतना चाहिए. इसमें कैस्टर ऑयल है, इसमें लेमन एक्सट्रैक्ट है, इसमें वाटर भी है, नायसिनमाइड भी है, इतना कुछ चाहिए नहीं था गाइस. मुझे तो सिर्फ एलोवेरा जेल चाहिए था, ना नायसिनमाइड चाहिए था, ना कैस्टर ऑयल चाहिए था, वो तो मैं अलग से सीरम से एंड ऑयल से निकाल लूंगी. और इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा वाटर बेस्ड कंसिस्टेंसी है, इसके अंदर वाइटामिन ई है, पैराबेन एंड सल्फेट फ्री प्रोडक्ट है. इसकी जो MRP है दैट इज 100 rupees फॉर द ml ऑफ 150 ml. 150 ml को आपको 100 rupees में मिल जाएगा. ये मैंने शायद जेप्पो या ब्लिंकिट से खरीदा था 90 rupees या 93 rupees में. तो मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ, कंसिस्टेंसी एकदम वाटरी है. यस, और आपको अगर रेमेडी वेमेडी करना हो ना, जैसे कि यस इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल, काइंड ऑफ लाइक थोड़ा सा स्मेल है, इतनी अच्छी स्मेल नहीं है. मतलब एलोवेरा यूज़ करी हो, कोई सिंथेटिक प्रोडक्ट यूज़ करी हो, समझ ही नहीं आ रहा है. इससे बढ़िया मुझे पतंजलि का एलोवेरा जेल ही लगता है. एक तो इसको आप रेमेडी वगैरह में करते हो, हेयर ऑयल वगैरह में मिक्स करते हो, तो थोड़ी देर बाद ये खुद ही क्लॉग होने लगता है, तो वो एकदम खराब है. इससे बढ़िया पतंजलि मिक्स करो, एकदम परफेक्ट वैसे सीरम जैसा रहता है, कोई भी
ऑयल वगैरह से मिक्स कर रहे हो तो मुझे इतना पसंद नहीं आया। बोरो प्लस प्लीज एलोवेरा जेल देना तो एलोवेरा जेल दो, इसमें कैस्ट्रॉल नायसिनमाइड क्या सब भर के रखे इतना नहीं चाहिए। फिर लेमन वेमन एक्सट्रैक्ट दिया है, पता नहीं जिनको एलर्जी वेलर्जी रिएक्शन है वो इसे यूज कर पाएंगे या नहीं। एंड द वाटर कंसिस्टेंसी लाइक थोड़ा सा लगा थोड़ी देर बाद बह जाएगा तो अच्छा चाहिए, मतलब स्किन में लगाने के बाद ऐसा लगा पानी लगा रही हूँ तो अच्छा चाहिए। मुझे बोरो प्लस से एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो अपने इंग्रेडिएंट लिस्ट में ये सब भी डाल देंगे, मतलब हर घर भर के केमिकल वगैरह डाल दिया है। ठीक है प्राइसिंग पॉइंट इज ओके अफोर्डेबल एंड बॉडी हेयर फेस पे लगा सकते हो, इट डजंट डिजर्व द हाइप, इवन आई डोंट नो वेदर इट इज इन हाइप और नॉट। तो ऐसे ही उठा लिया क्योंकि मुझे आपको बताना था यार कि किसी भी हाल में मुझे बताना था कि ये बोरो प्लस का एलोवेरा जेल मत यूज करना अगर आपको सूट नहीं करता, एलर्जी होता है तो। बाकी बहुत लोगों को अच्छा लग सकता है, वो यूज करना चाहते करे, लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, मैं अपना वो हेयर वेयर रेमेडी में ही मिक्स करके लगा लूंगी। सो बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बात किया, आपको कौन से प्रोडक्ट्स पसंद है, कौन से प्रोडक्ट खरीदने वाले कमेंट करके बता दो। ऑल द प्रोडक्ट्स लिंक आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट यू कैन गो एंड परचेस, एंड ऑल द प्रोडक्ट्स आर नॉन स्पॉन्सर्ड इन दिस वीडियो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय। एंड ऑल्सो लेट मी नो कि आपको इनमें से कौन सा प्रोडक्ट का डिटेल वीडियो चाहिए, कौन से हेयर सीरम का वीडियो चाहिए, एलोवेरा का चाहिए या पिलग्रिम का जो प्रोडक्ट है उसका चाहिए, कॉमेंट करके बताना। तब तक मैं चलती हूँ।